ठीकरी नगर परिषद ठीकरी की अध्यक्ष श्रीमती पूजा सुमित जायसवाल के नेतृत्व और पार्षदों के सहयोग से अब ठीकरी नगर निरंतर नगर विकास के प्रयास में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सीएमओ प्रेम वासुरे भी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, साथ ही नगर परिषद का संपूर्ण अमला भी इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। नगर में अनेक वार्डों में सीमेंट कंक्रीट के रोड निर्माण के कार्य चल रहे हैं, तो वहीं कुछ वार्डों में डामरीकरण के कार्य शुरू होने वाले। इसी कड़ी में आज सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने 18 करोड़ 30 लाख की लागत से शुरू होने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें पीर बाबा की बेड़ी वार्ड क्रमांक 13 में 17 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी और नर्मदा पाइप लाइन, वही वार्ड क्रमांक 3 में नगर परिषद के नवीन भवन जिसकी लागत 80 लाख और 21 लाख रुपए की राशि से बनने वाले पार्क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर सिंह पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष पूजा सुमित जायसवाल, जनपद अध्यक्ष मनोहर आवासीय, भाजपा मंडल के पदाधिकारी, भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारी, भाजपा महिला पदाधिकारी, पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता गण, नगर परिषद सीएमओ और नगर परिषद का संपूर्ण अमला मौजूद रहा। ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। भैया आज करोड़ों रुपए के भूमि पूजन हुए हैं, क्या इससे जनता को लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा? मैं आज बड़वानी जिले की इस ठीकरी नगर परिषद में उपस्थित हूँ। मेरे साथ इस नगर परिषद की अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय भाभी जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी, हमारे यहाँ के पार्षदगण, हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता आदरणीय अंतर पटेल के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज हम कई निर्माण कामों के भूमि पूजन के आयोजन पर उपस्थित हैं, क्योंकि ठीकरी नगर परिषद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बने और बनने के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ही नगर परिषद बनी, और इसलिए 18 करोड़ से भी ज़्यादा के ऐसे निर्माण काम जिसमें यहाँ पर नगर परिषद का भवन बनने वाला है, इस ठीकरी नगर में जो जल प्रदाय होने वाला है उसकी जल प्रदान करने को लेकर पूरी व्यापक योजना बनी है। अमृत 2 के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं, उसका हमने भूमि पूजन किया है, और यहाँ पर एक गार्डन का निर्माण किया जाएगा जो इस नगर के लिए और इस नगर परिषद के लिए काम में आएगा। ऐसे 3 प्रकार के महत्वपूर्ण कामों का हमने भूमि पूजन किया है। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और नगर परिषद जब से भाजपा की ठीकरी की बनी है, और हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद इस ठीकरी के विकास काम के लिए लगे हुए हैं, और इसलिए मैं सांसद होने के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैंने आज भूमि पूजन किया है, ये विकास के कार्य का एक आधारशिला शुरू हुई है, और निश्चित तौर पर इस लोकसभा के बाद में ठीकरी नगर परिषद एक अच्छी विकसित नगर परिषद बनेगी। भूमि पूजन हुए और किस काम के भूमि पूजन हुए और उनकी लागत क्या है? शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत पीर बाबा बेड़ी पे टंकी का निर्माण होना है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है, और पेयजल जो इंटेकवेल बन के खलघाट नर्मदा जी से पानी आएगा, तो जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। दूसरा पार्क निर्माण होना है जो आजीविका भवन के पास होना है, वो भी शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत है, वो भी अमृत 2 योजना के अंतर्गत। और तीसरा जो भूमि पूजन हुआ है वो कार्यालय भवन, नवीन कार्यालय भवन जो निर्माण होना है नगर पालिका का, उसके वो भी आजीविका भवन के पास में किया गया है, माननीय सांसद।